तालिबान जल्द से जल्द अफगानिस्तान में अपनी सरकार बनाने की जुगत में लग गया है। तालिबान का दूसरा सर्वोच्च नेता मुल्ला बरादर काबुल पहुंच चुका है। तालिबान को लगातार अफगानिस्तान में अमेरिका के छोड़े हथियार मिल रहे हैं। देखते हैं टॉप 9 तालिबान राज। जैसे जैसे 31 अगस्त की तारीख नजदीक आ रही है, अफगानिस्तान में तालिबान अपनी सरकार बनाने की कवायद तेज कर रहा है। सरकार बनाने के लिए तालिबान के राष्ट्रपति पद के दावेदार और डिप्टी चीफ मुल्ला अब्दुल गनी बरादर कंधार से काबुल पहुंच गया है। तालिबान के सूत्रों के मुताबिक सरकार में हिबतुल्ला अखुंदजादा समेत तालिबान के 5 बड़े चेहरे शामिल होंगे। तालिबान के नेता अनस हकानी कल दक्षिणी अफगानिस्तान के खोस्त प्रांत पहुंचे। तालिबान के नेता धीरे धीरे आम अफगानियों के बीच अपनी पहुंच बनाने की कोशिश कर रहा है। अनस हकानी ने स्थानीय कबीलाई नेताओं के सामने तालिबान का एजेंडा रखा। तालिबान के नेताओं ने एक बार फिर कहा कि महिलाओं को शरिया कानून के मुताबिक आजादी होगी, लेकिन उसे बुर्का पहनना अनिवार्य होगा। तालिबान ने अपना असली चेहरा दिखाना शुरू कर दिया है। दुनिया की आंखों में धूल झोंक कर अपने दुश्मनों को चुन चुन कर हत्या कर रहा है। तालिबान उन लोगों की घर घर तलाश कर रहा है जिसने अमेरिकी सैनिकों या नाटो के फोर्स की मदद की है या उनसे संपर्क में रहे हैं। तालिबान ऐसे लोगों की हत्या कर रहा है जो उनके सामने सरेंडर नहीं कर रहे हैं। तालिबान को एक के बाद एक अमेरिकी हथियारों और सैन्य साजो सामान की बड़ी खेप भी मिलती जा रही है। काबुल में तालिबान के कमांडर अब्दुल हामिद हामसी ने सैन्य इस्तेमाल वाली गाड़ियों का मुआयना किया। काबुल पर कब्जे के बाद अफगानी सेना को दिए गए अमेरिकी सैन्य गाड़ियां तालिबान के हाथ लग गए हैं। आधुनिक हथियार और ऐसी सैन्य गाड़ियों के मिलने से तालिबान की ताकत और बढ़ेगी। अरबों डॉलर के अमेरिकी अत्याधुनिक हथियार तालिबान के हाथ लगने के बाद अमेरिकी सांसदों ने इसको लेकर गंभीर चिंता जताई है। 2 दर्जन से ज्यादा विपक्षी रिपब्लिकन सांसदों ने इन लापरवाहियों के लिए जिम्मेदारी तय करने की मांग बाइडेन सरकार से की है। सांसदों ने कहा है कि इन हथियारों के इस्तेमाल के लिए तालिबान रूस, चीन, ईरान और पाकिस्तान की मदद ले सकता है। इससे अमेरिकी तकनीक की गोपनीयता भी खत्म होगी। काबुल एयरपोर्ट पर जुट रही हजारों की भीड़ को तितर बितर करने और यहां से हटाने के लिए तालिबान के आतंकी फायरिंग कर रहे हैं। कल भी काबुल एयरपोर्ट पर तालिबान ने भीड़ को हटाने के लिए फायरिंग की, जिसके बाद लोग इधर उधर भागते नजर आए। मीडिया के मुताबिक तालिबान के खौफ से काबुल छोड़ने को बेचैन कई लोग बिना पासपोर्ट और जरूरी दस्तावेज के भी एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं। काबुल में एयरपोर्ट के बाहर हर दिन हजारों की भीड़ जुट रही है। हर कोई तालिबान के खौफ से काबुल को जल्द से जल्द छोड़ने के लिए एयरपोर्ट के अंदर दाखिल होना चाहता है। अमेरिकी फौज भी पासपोर्ट धारकों को एयरपोर्ट के अंदर ले जाने में लगी हुई है। जो भी अफगानी नागरिक एयरपोर्ट के अंदर दाखिल होने में कामयाब हो जाता है, उसके चेहरे पर ऐसी खुशी दिख रही है मानो दूसरी जिंदगी मिल गई हो। तालिबान के खौफ से आजादी के लिए काबुल छोड़ ब्रिटेन जाने की तमन्ना लिए एक अफगानी जब अपने बच्चों और पत्नी के साथ एयरपोर्ट के अंदर दाखिल हुआ तो कहा कि यह उसकी जिंदगी का बहुत खुशनुमा दिन है। वो अपने बच्चों को डॉक्टर और इंजीनियर बनाना चाहता है जो अफगानिस्तान और ब्रिटेन की सेवा कर सके। इन्हें नहीं पता कि उन्हें ब्रिटेन में शरण मिलेगी या किसी और देश में। काबुल में लोगों के रेस्क्यू ऑपरेशन में अमेरिकी सेना के स्पेशल मारीन जवान भी लगे हैं। एयरपोर्ट में रेस्क्यू ऑपरेशन के कुछ ऐसी तस्वीरें आई हैं जो इस सबसे बड़े संकट की गवाही दे रहे हैं। विमान में सवार होने से पहले अमेरिकी मारीन बात करने के दौरान अफगानी बच्चों के चेहरे पर खुशी साफ दिख रही है। C-17 ग्लोब मास्टर 3 में सवार होने के लिए जा रहे अफगानियों के चेहरे पर सुकून दिख रहा था। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।